नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और इस समय आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कल एनसीआरबी ने अपने डाटा जारी किए हैं, जिसमें एनसीआरबी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, चाहे साइबर क्राइम का मामला हो या हत्या, अपहरण, डकैती जैसे वारदातें हों, उनमें काफ़ी कमी आई है। उसको लेकर के जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, इस बारे में हम बात करेंगे। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में उनकी राय जानेंगे। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप सिंह चौहान है और मैं लखनऊ में इंदिरा नगर में रहता हूँ। कल एनसीआरबी ने अपने डाटा जारी किए हैं कि जो हर तरीके के अपराध हैं, चाहे डकैती हो, चाहे अपहरण हो या फिर चोरी हो या महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हैं, उसमें काफ़ी कमी आई है, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपराधियों के मन में भय तो आया है, लेकिन इस तरीके से नहीं कह सकते कि अपराध खत्म हो गए। हो रहे हैं, कुछ कमी है, लेकिन अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। बहुत समस्याएं हैं, होती रहती हैं, लोग थाने पर जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन योगी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे कुछ मतलब लगता है कि कुछ पॉजिटिव हुआ है। आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप थाने में गए हों और कोई शिकायत लेकर के और आपके साथ किस तरीके से आपके साथ बर्ताव किया गया हो, आपकी शिकायत तत्काल उस पर कार्रवाई हुई हो या फिर आपको जो है परेशान होना पड़ा हो, इंतज़ार करना पड़ा हो, आपकी क्या राय है इस बारे में? थानों में सुधार की ज़रूरत है क्या? देखिए, मेरे साथ तो नहीं हुआ, थाने में गया हूँ कई लोगों साथ, तो वहाँ अव्यवस्था अभी भी है। ये नहीं कहेंगे 100% थी तो अब 90% अभी भी है, मतलब 90% अभी भी वैसे ही समस्याएं हैं। गरीब आदमी जाता है तो उसको दिक्कत होती है, सुनवाई जल्दी नहीं होती है, जब तक कोई प्रधान फोन ना कराए या कहीं सोर्स ना लगाए तब तक शिकायत लिखी नहीं जाती, अभी भी वैसे ही। मतलब लोकल पुलिस में आपका कहना है कि सुधार की गुंजाइश है, उसमें सुधार होनी चाहिए। बहुत अच्छा, ये बताइए कि जो महिलाओं के खिलाफ जो गंभीर वारदातें हैं, जी जी, उनको लेकर के क्या कहना है? उनको ये कह सकता हूँ कि एक भय तो आया है कि औरतों के जो सड़क पर चलते लोग छेड़छाड़ करते थे, योगी बाबा के आने के बाद बदलाव आया है, लेकिन गुंजाइश है, बहुत हो रहा है, लेकिन हाँ, डर का माहौल आया अपराधियों के मन में, और फिर भी मैं कहूँगा बहुत अभी सुधार की ज़रूरत है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है। दादा, आप कहाँ से हैं और आप क्या कहना चाहेंगे, कानून व्यवस्था में क्या सुधार है? हमारा घर सुल्तानपुर जिला है, तहसील कादीपुर है। हमें किसी कार्य से यहाँ आए हैं, हम जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 9 से। आपने अपने जीवन में ढेर सारी सरकारों के कार्यकाल देखे होंगे, ढेर सारी चीज़ें, आपको निश्चित तौर पे आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके पास काफ़ी अनुभव होगा, तो आपको क्या लगता है पहले की जो सरकारें हैं या अभी की जो सरकार है, या कम है उस अपेक्षा? पहले से जो हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डकैती, छिनैती होती थी, कमी आई है। अब मेहनत करें शासन वाले तो और सुधार हो जाए तो अच्छी बात। अभी सुधार की गुंजाइश है? हाँ, अभी सुधार की गुंजाइश, टाइट व्यवस्था हो। और देखिए, पहली बात तो जब तक अपराधियों को फांसी नहीं हो जाती हमारे विचार, तब तक हम संतुष्ट नहीं। मेरा नाम आशु सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं लखनऊ से ही हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कानून व्यवस्था में सुधार, कानून व्यवस्था में जो है वो पर्याप्त है कि अभी कुछ और होना चाहिए? पहले के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे अभी लेडीज़ कॉन्स्टेबल के लिए 7 बजे के बाद उनकी ड्यूटीज़ नहीं लग रही, फिर बसें चल रही हैं, अभी तो बहुत कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम उसके लिए, वुमन एम्पावरमेंट के लिए। कभी आपको, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पुलिस के पास जाना पड़ा हो और आप मदद मांगने गए हों, उसमें आपका कैसा अनुभव रहा है? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ, फ्रेंड्स के केसेस में हुआ है, काफ़ी कोऑपरेटिव रही हमेशा पुलिस और हेल्प भी किया है। और लोगों से अभी हम जानने की कोशिश करेंगे बात करके कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमृत राय है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक्स स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। कल एनसीआरबी ने अपने डाटा जारी किए हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं या साइबर क्राइम है या अपहरण, हत्या, डकैती, उसमें काफ़ी कमी आई है 2021 में, बाकी पिछले वर्षों की अपेक्षा। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान माहौल है, जो लोगों को जैसा महसूस हो रहा है जी, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश की रात में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई है। अन्य राज्यों की अपेक्षा आप उठा कर देख लीजिए, जहाँ से भी डाटा उठा ले, यहाँ जैसे पहले बहुत
समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले बहुत ज़्यादा अनगिनत अपराध होते थे, लेकिन बहुत ही कम, जब से बुलडोजर की राजनीति हुई है तब से जो है अपराध में ग्राफ में कमी आई है। और मतलब आप कोई सुझाव देना चाहेंगे कि और इससे बेहतर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सारे टीम लगी हुई है, क्योंकि ढेर सारे लोगों का कहना है कि अभी जो लोकल पुलिस है थाने और चौकी की, उसमें सुधार की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अभी उनमें मानवीय संवेदनाएं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे कोई अगर नॉर्मल आदमी FIR लिखाने जाता है तो उसको इंतजार करना पड़ता है या अप्रोच लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा इस दर में बहुत कमी आई है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि जो लोकल पुलिस है, जो थाने की पुलिस है, जो चौकी की पुलिस है, उनमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पुलिस जो है 24 घंटे की उसकी ड्यूटी होती है लिखा पढ़ी में, जो 15-16 घंटे से कम नहीं होती है, और उसके बाद उनकी VIP ड्यूटी लगती है, उसके बाद रात दिन उनका कोई भेद नहीं होता है, कोई उनका साप्ताहिक अवकाश नहीं होता है, तो उसमें जो है पुलिस काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं दबाव में रहती है। तो इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि पुलिस बल में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाई जाए, जितनी ज़रूरत है वो पुलिस कर्मियों को जो खाली पद हैं उन पर भर्ती की जाए, ताकि जो पुलिस है पूरे मनोबल के साथ, पूरी उत्साह के साथ काम करे और लोगों के साथ जो है जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुने और उसको दुरुस्त करे। द लीडर हिंदी के लिए कैमरामैन आयुष के साथ मैं जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।